रचना फूड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप मैं आपको सिखाऊंगी ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले छोटा सा प्याज, उसके बारीक बारीक मैंने काट दिए, दो हरी मिर्चें उसको भी बारीक काट दी, हरा धनिया और दो उसके पनीर के पीसेस छोटे छोटे मैंने ऐसे ट्रायंगुलर शेप में काट दिए, एक कटोरी बेसन, पानी, आलू भी छोटे मध्यम आकार के आलू लिए उसको मैंने उबाल के उसको कद्दूकस कर लिया, चार ब्रेड के पीसेस। मसाले में हमने डालना है हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून हरा अपने लाल मिर्च, हाँ स्वाद के अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हरा धनिया, धनिया हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, अमचूर हाफ टी स्पून, गरम मसाला। सबसे पहले एक बर्तन लीजिए, उसके बीच में बेसन डालिए, एक कटोरी बेसन डालिए, फिर उसके बाद कद्दूकस किए हुए आलू, फिर इसके बीच में हमने बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्चें और जितने हमने मसाले यहाँ रखे हुए वो सारे के सारे इसके बीच में डाल देंगे। फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब इसके बीच में थोड़ा सा और नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक पहले जो सा था वो कम था, अब आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और साथ में इसके बीच में हरा धनिया डाल देना, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा ना थिक हो ना पतली हो, ऐसे हो, क्योंकि गाढ़े से ये फिर बनेगा नहीं। अब एक तरफ हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका हुआ है, उसको धीरे धीमे आंच पे रख देना, ज़्यादा तेज करोगे तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अब हमने ब्रेड पकौड़ा लिया, ब्रेड ली, उसको पूरी जगह इसको लगा देना नहीं। एक ये वाला लिया और दूसरा और लिया, दोनों के बीच में पनीर डाल दिया और इसको पूरा का पूरा लपेट के हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। अब हमने इसको एक तरफ हो चुकी हुई है, अब इसको हम उल्टा देंगे, वैसे ही दूसरी वाली है उसको भी हम उल्टा देंगे। अभी हमारे ब्रेड पकौड़े हमने तल के बाहर निकाल दिए और इसको ऐसे काट दिया, और साथ में इसको आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा चैनल कैसा लगा इसके बारे में सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल बटन दबाना मत।